किसी पैगंबर के हाथ में लोहा मोम हो रहा। किसी नबी पर आग गुलजार बन रही। और किसी नबी की लाठी सांप बन रही। कोई नबी मादरजाद नाबीनाओं को बीना कर रहा है। कोढ़ के मर्ज वालों को दुरुस्त कर रहा है। मुर्दों तक को जिंदा कर रहा है। मोजज़े का जो लफ्ज़ है ना, ये इज से निकला है। इज़ आजिज़। मोजज़े को मोइज़ा इसलिए कहते हैं कि नबी के हाथ पर ऐसा काम सादिर हुआ जिस काम के दिखाने से बाकी सारी मखलूक आजिज है। अनहोनी होनी हो गई। नामुमकिन मुमकिन हो गए। जिस आग का काम था जलाना, वही आग हजरत इब्राहिम पर ठंडक और गुलजार बनी। समंदर का काम है रवानगी, पानी जारी है। नबी का मोइज़ा सादिर हुआ तो वही समंदर रास्ता देने लग गए। नबी के हाथ पर मोइज़ा सादिर होता है, नामुमकिन मुमकिन हो जाता है, अनहोनी होनी हो जाती है। समझ आ रही है आपको मेरी? ये स्पीकर वाला ज़रा आवाज़ कम करे यार, थोड़ा सा आवाज़ कम कर। नहीं, उर्दू समझ देने को नहीं समझ देने। मैं पंजाबी भी टच दे देंगे, लेकिन मैं शुरू कर लिया तो मैं शुरू कर दे। असा कड़े कोई लखनऊ वाली उर्दू बोलनी? मेरी बात आज आपने गौर से सुनी। और दूसरे मसलक का मेरा कोई भाई, मेरा कोई अजीज दोस्त बुजुर्ग आया है ना, तो वो ज्यादा गौर से सुने। कोई जिच नहीं करना, हिट नहीं करना, तजहीक नहीं, फतवा नहीं लाना। मुतमैन रहे वो लोग, मेरी बात पे वो गौर करेंगे। अगर पसंद आ जाए तो मान लें, ना पसंद आए तो बाहर निकल के दीवार पे मार दें, आपकी मर्जी। बात मेरी गौर से सुन। जितने लोग शिरक की दलदल में फंसे ना, इस दुनिया में जितने लोग शिर्क के मरीज बने ना,
उन्हें धोखा नबियों के मोइजों से लगा। नहीं तो मेरी गल समझ आई, धोखा उन्हें कहां से लग गया? मोजज़े उन्होंने देखे और वो शिर्क के मरीज हो गए। आप में जितने पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं, बोलो ईसाइयों नू धोखा कित्थों लग गया? उन्होंने हजरत ईसा को इलाह और माबूद मना लिया, उन्हें धोखा कहां से लगा? मट्टी के परिंदे बनाता है, फूंक मारता है, सच मुच का परिंदा बन जाता है। मालूम होता है जान डालना हजरत ईसा के कब्जे में, धोखा लग गया। मादरजात अंधे को भी ना कर देता है, मालूम होता है अखां देवना हजरत ईसा दे, यहां से धोखा लग रहा है। जितने लोगों को धोखा लगा वो शिर्क के मरीज बने और शिर्क की दलदल में फंसे, उन्हें फरेब और धोखा लगा नबियों के। खत खुताबा ने मोइजे बयान किए, वलियों की करामतें बयान की, उससे साबित की उनकी कुदरत, उनका इख्तियार, उनका कादिर होना, मुख्तार होना, उससे उन्होंने साबित किया। आज मैं आपको मोइजे की हकीकत समझा के जाऊंगा इंशाअल्लाह। और जितने मजमे में कोई उलमा बैठे हैं, खुतबा बैठे हैं, मैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, इस बुनियादी नुक्ते पर जोर दीजिए। आप यकीन नहीं करेंगे, ये मेरा 10वां जुमा होगा जो मैं पढ़ा के आया हूँ 2-4 दिन पहले। इन 10 जुमों में मैं मोइजे की हकीकत बयान कर रहा हूँ, लोगों को बार 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 समझा रहा हूं। जितने लोग शिर्क के मरीज बने उन्हें धोखा कहां से लगा? मोजज़े देखे सुने, उन्होंने समझा भाई नबी कादिर भी होता है, मुख्तार भी होता है, और सारे इख्तियार नबी के पास। एक गिलास है दूध का, मन सारा वाक्य बयान न करना पवे तो चंगी गल है यार, आगे तो आप समझ गए होंगे। एक प्याला है दूध का, भूख लगी है हजरत अबू हुरैरा को, वो खुश हो गए कि प्याला आ गया है, मैं रज के पीवांगा। मेरे नबी ने फरमाया सुफे आलियां नू बुला के लाया, वो तालिब इलम थे, बाहर से आए हुए थे, मस्जिद नबवी के साथ एक चबूतरा था, वहां बैठे रहते थे, मेरे नबी से इल्म हासिल किया करते। और जो मदीने के लोग थे ना, मदीने के लोग, वो खजूरों के खोशे तोड़ तोड़ के लाते, मस्जिद नबवी के सुतूनों से बांध देते थे, और ये मिस्कीन तालिब इलम उन खजूरों को खा के गुजारा किया। ए उत्थू रीत चलिए कि किसी शहर में पढ़ने के लिए बाहर से तालिब इलम आए और शहर वाले उनकी रोटी पानी का क्या करें? मदीने के लोग वो खोशे वहां बांध दिया करते थे, वो सुफे वाले खाते थे, नबी से नबी पाक से इल्म हासिल करते। आप फरमाया सुफे वालों को बुला के ला, वो 100 से ऊपर। हजरत अबू हुरैरा को फिक्र हुई, भाई पेट प्याला एक है, मुझे भूख लगी है, ये कह रहे हैं उनको भी बुला के ला। फिर दिल में ख्याल आया भी शुरू तो मेरे तो ही करना ने ना, ये बच गया थे वो भी पी लेने। जब मैं उन्हें बुला के लाया तो मेरे नबी ने मुझे ही फरमाया इन्हां नू पिवा। सारे पी गए,
प्याला उसी तरह लबालब भरा रहा। कमी नहीं, कमी नहीं। मेरे आका ने फरमाया अबू हुरैरा पी, मैंने पिया, आपने फरमाया होर पी। मैं रज के पीता। इस जुमले की तशरीह मुझे न करनी पड़े, समझ जाओ बंदयालवी ज़रब कहाँ लगाना चाहता है। सबसे आखिर में मुर्शिद ने पिया। पता नहीं समझियो कि नहीं समझियो। मुर्शिद ऐसे हुआ करते, पहले मुरीदा पीता, सबसे आखिर में किसने पिया। ये मौजज़ा है। उलमा जब बयान करते हैं, उलमा लोगों को कहते हैं देखा है, दूध नू वधाना, रोजी नू वधाना, नबी पाक दे, लोग शिरक में मुबतला। जितने लोग भी शिरक के मरीज बने, ये बुनियादी बात है, उन्हें धोखा लगा अंबिया के, उन्होंने मौजज़े देखे सुने, उससे उन्होंने तासुर लिया कि ये नबी के इख्तियार में है, नबी की मर्जी से होता है, नबी को कुदरत हासिल है। वो जब चाहे एक प्याले को बढ़ाकर 100 बंदों पे पूरा कर दे, 7 आदमियों का खाना 300 से ज्यादा बंदे खा गए। हजरत जाबिर के घर उन्होंने 7-8 बंदों का इंतजाम किया था, और नबी पाक के कान में जाके कहा था, या रसूल्ला तुहान ज्यादा भूख लगी हुई है, मैं घर इंतजाम करके आया, बस 5-7 बंदियां नू नाल लो ते मेरे घर तशरीफ ले आओ। नबी पाक ने मुनादी से कहा, ऐलान कर सबका खाना जाबिर के घर है। हजरत जाबिर के पांव तले से जमीन निकल, भागे भागे अपनी बीवी के पास आए, कहने लगे करमा लिए खैर नहीं, कहीं 100 बंदे आ, हमारे पास तो खाना 7-8 आदमियों का। उस जमाने की औरतें भी कितनी अजीम हुआ करती, औरत तो सिनफ नाजुक है, आसाब की कमजोर। कालबन कब्रिस्तान जाने से भी इसीलिए मना किया गया है कि ये वहां सब्र हो, और मेरा ख्याल है इसीलिए इसको तलाक का भी इख्तियार नहीं दिया गया। इन्ना को तलाक का इख्तियार होता सा सारे रंडे होना से। थोड़ी सी बात में उन्होंने तलाके दे दी, इसको नहीं दिया इख्तियार। मर जरा मजबूत आसाब का होता है, सोचता समझता है। औरत तो सिनफ नाजुक है, लेकिन यहां जाबिर परेशान है, सैकड़ों बंदे आ रहे हैं, खाना 7 बंदों का है। बीवी ने कहा, ये सारे लश्कर की दावत तू करके आया। उस आख्या करमा आलिए मैं क्यों करके आया, मैं तो 6-7 बंदियां दा आख्या, बाकी का नबी पाक ने ऐलान किया है। कहती है फिर घबराता क्यों है, 7 बंदों का इंतजाम तू कर, बाकियों का मोहम्मद जाने। सल्लल्लाहो, सारा लश्कर खा के उठ गया, खाना उसी तरह मौजूद। खतीब हजरात ये बयान करते हैं, फिर लोगों के अकीदों से खेलने लगते हैं। और वेख्या रोजी दा वधाना, रोजी देना बढ़ाना, ये नबियों के। मैं इस पर कितने वाकयात बयान करता चला, मैं तो बुनियादी बात बताऊंगा और दूसरे मसलक के लोगों को बताऊंगा। दूसरे मसलक का कोई मेरा भाई आया तो वो मेरी बात को गौर से सुने। जितने लोगों के अकीदे खराब हुए, नबियों के मौजज़े वलियों की करामतें देख के खराब हुए, उन्होंने समझा मौजज़ा नबी के कब्जे में है, इख्तियार में है,
जब चाहे जहां चाहे मौजा दिखाए, मौजा नबी की मर्जी से होता है। भिड़ी शाह रहमान के लोगों, बंदयालवी की बात दिल की तख्ती पर लिख लीजिए, मौजे में हाथ पैगंबर का होता है, इख्तियार और मर्जी अर्श वाले की होती है। दिल की तख्ती पर नक्श कर लो इस बात, उसमें इख्तियार नबी का नहीं होता, उसमें मर्जी नबी की नहीं होती। ये तैने गल समझ नहीं आई तो बंदयालवी दलील ऐसी देगा, कोई इल्मी दलील नहीं, कोई नहीं दलील ऐसी, एक दूनी दूनी ते दो दूनी चार, तू भी मानेगा इंशाल्लाह, मेरी दलील का इनकार कौन नहीं करेगा। थोड़े से ज़ेहन ताज़ा करो, मैं दलील दूँ इस पर, ताज़ा है ज़ेहन। अगर मौजा नबी के इख्तियार में होता, अगर मौजा नबी की मर्जी से सादिर होता, तो हजरत मूसा लाठी को सांप बनते हुए देखकर कभी ना भागते जी। अपनी मर्जी नाल जो सब बने आई, अपने इख्तियार नाल जो सब बने आई, भागे क्यों, डरे क्यों? कुरान कहता है भागे, सांप नू अल्लाह क्या पीछे लग जा। अल्लाह कहते हैं वलम युवक के, मेरा नबी पीछे मुड़ के भी नहीं बैठा, लम युवक के पीछे मुड़ के नहीं देखते थे। हमने कहा अकबिल, सामने आइए, पलटिए, इसको पकड़िए। काश आप थोड़ी सी अरबी जानते होते तो आपको लुत्फ आ जाता। कुरान बोला सूरत ताहा में, पकड़िए, सनुईदुहा सीरत हल उला, पकड़ना तेरा काम है और पहली हालत पे लौटाना हमारा काम है। सनुईदुहा, हम लौटाएंगे, हम लौटाएंगे। किसके इख्तियार में था? हम लौटाएंगे। यार ये हम पे तो जरा गौर करो, हम लौटाएंगे। अल्लाह इक्के के बहुत सारे ने, ये नहीं कहा मैं लौटाऊंगा। उसे एडा तंतना नहीं सी होना, उसमें इतना रोब नहीं थी, ना नहीं होना था, मैं लौटाऊंगा बरा हम लौटाएंगे, तंतना पैदा करना था। अगर मौजा नबी के इख्तियार में होता तो हजरत मूसा लाठी को सांप बनते हुए देखकर डरते भी ना, भागते भी, अपनी मर्जी से जो बना था। हमारे मदारिस में जो निसाब पढ़ाया जाता है, देवबंदी मदरसे हों या बरेलवी मदरसे हों, दोनों मदरसों का निसाब एक है, पहली जमात से लेकर आठवीं जमात, दोनों मदरसों का निसाब क्या है? जो किताबें देवबंदी मदरसों में पढ़ाई जाती हैं वही किताबें बरेली। ये जो आप फेसबुक पे देखते हैं, मुख्तलिफ चैनलों पे देखते हैं, टेबल टॉक होता है, फिर प्रोफेसर और बैरिस्टर और मुबस्सिर बैठ के तबसरे करते हैं, ये मदारिस में ना देवबंदी अपना निसाब पढ़ाते हैं, बरेलवी अपना निसाब पढ़ाते हैं, बरेलवी अपनी बातें पढ़ाते हैं। इन्ना लिल्लाहे, लाल बुझकड़ो, तबसरा करन तू पहले किसी मदरसे जाओ, देवबंदी मदरसे में आओ, बरेलवी मदरसे में आओ, पूछो भाई तुम्हारा निसाब क्या है भाई, पहली जमात को क्या पढ़ाते हो, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी को क्या पढ़ाते हो भाई, फिर देवबंदी मदरसों में जाओ, वहां उनसे पूछो भाई क्या किताबें हैं तुम्हारी, बगैर पूछे बगैर तहकीक किए
वहां बैठ के तबसरे करते रहते हो नफरत फैलाने के लिए कि ये अपने अपने निसाब पढ़ाते हैं। तुसा सही माने च लाल बुझक्कड़ो, कहते ना एक पिंड में था लाल बुझक्कड़, उसको बड़ा जोम था कि मैं बड़ा समझदार आदमी हूं। वो कहता था कभी कोई मुश्किल पेश आवे मेरे को मशवरे ले करो, मैं सही मशवरे दे। एक बंदा उस पिंड में आया, एक दरख्त पे चढ़ गया, दरख्त ऊंचा था, चढ़ तो गया उतरा नहीं जा रहा। उसने उसे हाल दुआई पाई, लोग लाल बुझक्कड़ को गए, बंदा चढ़ गया दरख्त पे उतरदा नहीं पिया, कोई तरीका दस। उस आखा गल ही कोई नहीं, रस्सा मंगवाओ। रस्सा आ गया, फेंको ऊपर, फेंक दिया। उसने आख्या बन ले, उस बन ले थल मैंने आख खिंचो, लोगों ने खींचा, बंदा धड़ाम करके जमीन पे आया, मर गया। लोगों आख्या लाल बुझक्कड़ बंदा मार दिता ही। उस आख्या इस दी अपनी किस्मत है, मैं तो सैकड़ों बंदे खूह चू इं बहर कड्ढे ने। इसको कहते हैं लाल बुझक्कड़। ये टीवी चैनलों पे बैठते हैं ना लाल बुझक्कड़, नफरतें फैलाते रहते हो। दोनों मदरसों का निसाब एक है। हमारी जो निसाब में किताबें पढ़ाई जाती हैं ना, जैसे आपके यहाँ साइंस है, अलजबरा है, रियाजी है, इंग्लिश है ना, उर्दू है, हमारे यहाँ ग्रामर है, नाव है, फिका है, उसूल फिका है, उसूल हदीस है, हदीस है, अकायद। उसमें एक फन है अकायद, अकायद की किताबें पढ़ाई जाती। उनमें क्या पढ़ाया जाता है, किताबों में क्या लिखा होता है, अल्लाह के बारे में क्या अकीदा रखना है, नबी के बारे में क्या अकीदा रखना है, कयामत के बारे में, हौज़े कौसर के बारे में, अजाब कब्र के बारे में, फरिश्तों के बारे में, पुल सिरात के बारे में, फरिश्तों, ये उसमें पढ़ाया जा, ये दोनों मदरसों में पढ़ाई जा रही किताब पढ़ाते हैं। बंदयालवी का कसूर सिर्फ इतना है, ये तुहान दसन लगो वो की लिखे, नहीं इनकार करेंगे इंशाल्लाह, कोई इनकार नहीं करेगा। ये मैं आपको बता रहा हूं कि उन अकायद की किताबों में क्या लिखा हुआ है, शरा अकायद है, शरा मवाकिफ है, ख्याली है। उन अकायद की किताबों में जब मौजे की बहस आई तो लिखा हुआ है मौजे का फाइल अल्लाह है, यानी मौजा फेल नबी का नहीं, मौजा फेल किसका है, हाथ नबी का होता है। कुदरत मर्जी और इख्तियार वो नबी का नहीं होता, वो किसका होता है। तो उनको समझ भी आई कि कौन है। मैंने तो आज यार बड़ी आपको काम की बात बताई, बुनियादी बात मैंने आज आपको बताई। वो जो मैंने पहले दो बातें की, एक प्याला दूध का सैकड़ों बंदे पी गए, सात आदमियों का खाना सैकड़ों बंदे खा गए। उलमा ने इसको बयान किया, साबित ये किया, रिजक में बरकत देना, रिजक को बढ़ाना, रोजी को बढ़ाना, रोजी देना, दूध अता करना, ये नबी के इख्तियार में है। नबी जब चाहे एक प्याला दूध का सैकड़ों बंदों पर पूरा कर दे, ये साबित किया आपने। बंदयालवी कहता है तस्वीर का दूसरा रुख दिखा लोगों को, एक रुख दिखाए दूसरा रुख दिखा, दूसरा रुख मैं दिखाने लगा हूं। जितने यहां लोग बैठे हो, पढ़े लिखे लोग हो, तारीख सीरत की किताबें पढ़ते हो, उलमा की तकरीरें सुनते हो, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के बोलो, तुमने ये नहीं पढ़ा नहीं सुना कि मेरे आका के घर के चूल्हों में एक एक महीना आग क्यों नहीं आग जलती, खाने के लिए कुछ नहीं। पढ़ते हो, पढ़ते हो, सुनते हो, उलमा बयान करती हैं,
मुझ में ये हिम्मत नहीं, मेरी मजाल नहीं, मेरी हिम्मत नहीं। खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, ये कुफरिया जुमला, ये कुफरिया जुमला मैं अपनी जबान पर नहीं ला सकता, मैं नहीं कह सकता। लेकिन जो तुम कहते हो कि रिजक का बढ़ाना नबी के इख्तियार में होता है, तो बोलो अगर तुम में जुर्रत है कि रोजी का बढ़ाना तो नबी के इख्तियार में था, अपनी बीवियों को जानबूझ के भूखा रखा करते थे। बोलो, तस्वीर का सिर्फ एक रुख दिखाते हो कि यहां प्याला सैकड़ों बंदों पे पूरा हो गया, तस्वीर का वो रुख क्यों नहीं दिखाते हो कि घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, चूल्हे में आग नहीं जल रही। तो फिर हमारे मौकिफ को तस्लीम कर कि मौजदा नबी का बरहक है, लेकिन मौजे में हाथ पैगंबर का होता है। इख्तियार और मर्जी किसकी होती है? मेरे रब ने, फिर मैं दरमियान से शुरू हो रहा हूँ यार, मैं चूंकि वाकयात को बहसियत वाकया बयान नहीं करता ना, मेरे रब ने मेरे नबी को इसी जिस्म के साथ आलम बेदारी में जागते हुए ज़मीन की पस्तियों से उठाया और बुलंदी के उस मकाम पे पहुंचाया जहां हजरत मूसा की रूह कभी नहीं पहुंची, जिब्रील का ख्याल कभी नहीं पहुंचा, मेरे नबी का वजूद वहां पहुंचा इसी जिस्म के साथ, ख्वाब में नहीं आलम बेदारी में जागते हुए। जिन लोगों ने अक्ल इस्तेमाल की ना, अक्ल, उन्होंने इस मौजे का इनकार किया, मेराज वाले मौजे का क्या कर दिया, इनकार। बड़े बड़े लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने अक्ल इस्तेमाल की, उन्होंने कहा आसमान और जमीन के दरमियान एक कुर्रा है जमहरीर, वहां हर चीज बर्फ हो जाती, ये जिस्म वहां से कैसे गुजरो, क्या इस्तेमाल की? फिर एक है कुर्रा नार, आग का कुर्रा, ये जिस्म उस आग के कुर्रे से कैसे गुजरा, अक्ल इस्तेमाल की, इनकार कर दिया। अल्लाह को भी पता था, अल्लाह ने भी उस वाक्य को शुरू किया तो अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाजी असरा बेअब्दिही, तुमने ये नहीं देखना कि आमना का लाल गया कैसे था, तुमने ये देखना है कि लेकर कौन गया था, लेकर वो गया जिसने हजरत इब्राहिम पर आग को गुलजार बना दिया, लेकर वो गया है जो गंदे पानी के कतरे पर तीन अंधेरों में नक्शे जमाता है और इतना खूबसूरत इंसान बना के रख दिया करता है। उन्हें कहा यह ख्वाब का वाक्य है, मेराज ख्वाब का वाक्य, अक्ल इस्तेमाल की, क्यों भाई ख्वाब में तो मैं भी बैतुल्ला जा सकता हूं, आप में भी कोई जा सकता, रात उसको ख्वाब आया लाहौर एयरपोर्ट पे पहुंचा, एहराम बांधा, जहाज में सवार हो गया, बैतुल्ला जद्दे उतरा, बैतुल्ला पहुंचा, तवाफ किया, सफा मरवा की साई की, हिजामत करवाई, वहां से मदीने गए, आप किसी को ख्वाब आ सकता है, आप में से भी किसी को ख्वाब आ सकता है, मुझे आ सकता है, ख्वाब में तो मैं भी बैतुल मुकद्दस जा सकता हूं। कोई बंदा रात ख्वाब में बैतुल्ला चला जाए, ख्वाब में उमरा करे, सुबह अपने दोस्तों को बताए कि यार मुझे रात ख्वाब आया है मैं बैतुल्ला गया हूं, लोग मजाक बनाएंगे ना, बनाएंगे ख्वाब का मजाक बनाएंगे, इनकार करेंगे। अगर ये ख्वाब का वाकया होता
तो मुशरकीन मक्का ने इसका मजाक क्यों बनाया था? ख्वाब का भी कभी कोई मजाक बनाता है? ख्वाब में तो कोई कहां से कहां जा सकता है। मेराज आलम बेदारी में हुआ, अल्लाह ने मेरे नबी के वजूद मुकद्दस को जमीन की पस्तियों से उठाया, पहला आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, मेरा नबी और ऊपर। बैतुल मामूर, मेरा नबी उससे भी ऊपर। जन्नतुल मावा, मेरा नबी उससे भी ऊपर। सिदरतुल मुंतहा, जरा मुंतहा के लफ्ज पे गौर कीजिए, मुंतहा। यहां जिब्रील पीछे रह गया, एक बाल बराबर ऊपर उड़ू ना, रब की तजलियां मेरे पर जला देंगी, मेरी इंतहा है मेरी परवाज की। ऊपर से मेरे रब ने आवाज लगाई, आ जाओ मेरा सोना पैगंबर। जहां नूरियों के सरदार की मंजिल खत्म हो गई है, वहां मोहम्मद बशर की मंजिल शुरू हो गई, शुरू हो गई। मेरा नबी और ऊपर, समझाना चाहता हूं, जिच नहीं करना चाहता, तजहीक नहीं करना, मकसद समझाना है। अल्लाह करे किसी को बात समझ आए। अगर मेरा नबी नूर होकर जाता ना, कोई कमाल नहीं। नबी की हकीकत नूर होती, फिर वहां पहुंचते था कमाल, कोई कमाल। जिब्रील कहां रहता है? इज़राइल। जिन लोगों ने, जिन फरिश्तों ने अर्श को उठाया हुआ है, कहां है वो? अर्श के करीब। मेरे नबी की जात नूर होती ना, फिर सवाल पैदा होता, नूर है गया क्यों नहीं, नूर है गया क्यों नहीं। कोई कमाल नहीं बनता, कोई कमाल नहीं बनता। कमाल ये बनता है अब्दुल मुत्तलिब का पोता हो, अब्दुल्लाह का दुर्रे यतीम हो, आमना का लखते जिगर हो, हमजा और अब्बास का भतीजा हो, अबू सुफियान, अबू बकर और हजरत उमर का दामाद हो, अबुल आस, हजरत उस्मान और हजरत अली का सुसर हो, चार बेटियों का बाप हो, तीन बेटों का बाप हो, हसनैन का नाना हो, ग्यारह बीवियों का शौहर हो, इंसान हो, बशर हो, आदमी हो, फिर परवाज करे और वहां पहुंचे जहां नूरियों का सरदार का ज़हन भी कभी ना पहुंचा। जो लोग मेरे नबी को नूर, नूर उम्मी नूर इल्ला, आपकी जात नूर थी, इसमें कोई कमाल है? कमाल बशर होने में, बशर होने। मैं कैसे समझाऊं आपको, जो सो रहे हैं उनको कैसे समझाऊं? बढ़िया रातें लंबियां ने यार, अभी तो 10 बजे हैं यार, थोड़ी देर में जान छोड़ देता हूं आपकी। मौजू से बाहर नहीं निकलूंगा इंशाल्लाह, मौजू यही है, मौजे में हाथ पैगंबर का और इख्तियार किसका है, उसमें मर्जी उनकी नहीं, मर्जी उनकी नहीं। थोड़ी थोड़ी चीजों को ले रहा हूं ताकि अल्लाह करे किसी के अकीदे सही हो जाए। अच्छा आप एक बात बताएं, जितने नौजवान बैठे हो, लोग बैठे हो, पढ़े लिखे बैठे हो, अगर 7 कमरों में बंद, 7 कमरों के अंदर बंद, जुलैखा के सामने जिब्रील होता नूरी, और जुलैखा जिब्रील को कहती है तलक, मैं तुझे दावत गुनाह देती हूं, जिब्रील कहता माज अल्लाह, था कोई कमाल? क्यों? वो नूरी है, उसमें कुव्वत शामानी नहीं, वो नूरी है, उसमें औरतों की रगबत नहीं, नूरी है,
कमाल तब बना, 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत, भरपूर जवानी, ऊपर से यूसुफ का हुसन, फिर यूसुफ का तजर्रुद। इतने मन पते सुबह अल्लाह नहीं आखना, ये तजर्रुद किस नाल खादा जाए, कुंवारा होना, कुंवारा होना, शादीशुदा भी, फिर यूसुफ का तजर्रुद, फिर बंद कमरा, फिर खलवत, फिर कोशिश मर्द ने नहीं करनी, लड़की खुद आगे बढ़ रही है, है तलक 4000 मर्दों के बराबर कुव्वत हो, अलग कमरा हो, मिस्र का हुसन हो, वो दावत गुना दे और जवाब में यूसुफ कहे माज़ल्ला। ये कमाल, बशर हो के बचे तो तब कमाल। मेरे नबी और ऊपर चले गए, और ऊपर चले गए, अल्लाह के पास जा पहुंचे, तोहफों के तबादले शुरू। मेरे नबी ने तोहफे पेश किए, अल्लाह ने तोहफे पेश किए, उम्मत के लिए 50 नमाजों का तोहफा दे दी। कितनी नमाजें? 50 नमाज। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 9 मरतबा वापस भेजी, तेरी उम्मत नहीं पढ़ सकनी, नहीं पढ़ सकनी, नहीं पढ़ सकनी, हुण वेले ही तखफीफ करवा लै, दरखास्त कर लै, हल्का करा लै, कम कुछ 45, 40, 35, 30, 25, 20, 15, 10, 5। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया 5 भी नहीं पढ़ सकनियां उन्ना, हुण वक्त है तखफीफ करवाओ। मेरे आका ने फरमाया हुण शर्म आंदी है, इसलिए कि 5-5 करके माफ़ हो रही थी, अब रह 5 गई थी। आपके जाने का मकसद क्या था यार? हम कभी कभी बड़ा ताज्जुब करते हैं उलमाए किराम पर और खतीबों पर, ये वाक़या बयान करते हैं और लोगों को कहते हैं वेख्या जे देवबंदी वहाबिया दिन भाई नबिया नू आने वाले हालात का पता कोई नहीं होंदा, हाले असा जम्मे नहीं, ते हजरत मूसा नू पता सी भाई इन्हां नमाज़ां को नहीं पढ़नी, आगे पढ़ी पढ़ाई कौम है, इल्म इनके पास है को नहीं, बेचारों के कहता हाँ सुभानअल्लाह जी, हजरत मूसा को पता था जी, हमारे हालात जानते थे, आलिमुल गैब है ना। इतना नहीं सोचा इस कौम ने, इतना नहीं सोचा इस कौम ने, इसमें अपने नबी की तौहीन हो रही है। हजरत मूसा नू पता है सी, ते साडे नबी नू पता, साडे नबी नू हजरत मूसा दसदे सन तां पता लगदा सी, यही कहना चाहते हो? आ इल्म नहीं था, ख्यालात न चलाइएगा, बंदियालवी के पास आइएगा, बंदियालवी आपको बताओ बताए आमना के लाल ने क्या कहा है, बात तो वहां खत्म हो जाएगी। मेरे आका ने फरमाया हजरत मूसा को अपनी उम्मत का तजर्बा था, वो गुजार चुके थे, उन्ना मेरी उम्मत नु कयास कर लिया अपनी, इल्म नहीं था उनको। अल्लाह ने कहा गाय ज़बह करो, कोई सी गाय ज़बह कर देते ठीक था, उन्ना के रंग केड़ा होवे, अल्लाह ने फरमाया ए होवे, उन्ना के उम्र के होवे, अल्लाह ने फरमाया ए होवे, आके हाले गल खुली नहीं, अल्लाह ने फरमाया हल्ला ना ज्योति होवे, खूह दे उते चक्कर ला के पानी ना पिवाया होवे। आप ढूंढने लगे, मेरी तरफ तवज्जो करे यार, आप ढूंढने लगे गाय, रंग वो मिलता है तो उम्र नहीं मिलती, उस उम्र की मिलती है तो रंग नहीं मिलती, दोनों चीजें मिलती हैं तो ये हलों पे ज्योति हुई है।
उन्ना गां ज़बा कीती 40 साल तू बाद। कितनी हजरत मूसा सोचिया मेरी कौम मन सलवा खान आली, उन्ना 40 साल गां ज़बा नहीं कीती, इन्ना दी उम्मत रोज दियां 50। मेरे नबी वापस आ गए, रब से बातें हुई, जन्नत देखी, जहन्नम देखी, मुआयना किया, नबियों से मुलाकात हुई। बैतुल मुकद्दस में सारे नबियों के इमाम बने। जब मेरा नबी वापस आया, भिड़ी दे लोगों महीना ते लग गया हूं, सारी रात लग गई होनी ना। सुबहानल्लज़ी असरा, असरा अरबी में कहते हैं रात के सफर को। असरा आखण नाल समझ आ गई भी सफर ते रात दा सी। अगू अल्लाह लेके आया लैलन, उसे नकरा लाए, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला। माला अगू लैलन क्यों आखियाई? अल्लाह ने फरमाया असरा कहता ना तो लोग समझते पूरी रात लग गई होगी, आगे मैं लैलन लाया, उसको नकरा लाया, नून तनवीन का किल्लत के लिए डाला, ये बताने के लिए सारी रात नहीं लगी, लैलन रात का। और सफर कितना था, सफर कितना था, तसव्वुर में आ सकता है वो सफर? एक रिवायत है मुस्तनद नहीं, बिल्कुल काबिल एतबार भी नहीं, सुना देता हूं। जब वापस आए ना तो जिस घर से निकल के गए थे ना उस दरवाजे की कुंडी अभी हिल रही थी, कुंडी अभी, मेरे नबी वापस आ। ऊंची जगह बैठ के बंदा वुजू करे तो पानी बहता है, वुजू करके गए थे वापस आए ना तो उस वुजू का पानी अभी बह रहा था, मेरा नबी वापस आ। अल्लाह हुआ, कैसे हुआ? अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने हल किया ते खुदा दी कसम मजा ही आ गए। शाह जी फरमाते हैं किसी मुल्क के हुक्मरान की सवारी किसी शाहराह से गुजरनी हो, सऊदी अरब का फरमा रवा आ गया, लाहौर एयरपोर्ट पे उतरेगा, मार रोड से गुजर के जाना है। रेंजर आ गई, पुलिस आ गई, उसने बड़ी ट्रैफिक बंद कर दी, रोक दी। जब करीब हुआ वक्त गुजरने का, उसने कहा कारें भी बंद, मोटरसाइकिल बंद, साइकिल बंद, रुक जाओ। जब ऐन फरमा रवा के गुजरने का वक्त आया, उन्हें कहा सारे ट्रैफिक का निजाम जाम कर दो, पैदल भी रुक जाओ, जो जहां है ठहर जाओ, रुक जाओ। अल्लाह ने मेरे नबी को अर्श का मेहमान बनाया तो फरिश्तों से कहा कायनात का निजाम जाम कर दो, मेरा मोहम्मद आ रहा है, मोहम्मद आ रहा है सल्लल्लाहो। कायनात का निजाम जब जाम हुआ, कुंडी हिल के जहां पहुंची थी वहां रुक गई, पानी जितना बह चुका था वहां रुक गया। मेरे नबी वापस आए, अल्लाह ने कहा निजाम चला दो, जब निजाम चलाया गया कुंडी हिलने लग गई, पानी बहने लग गए, मेरा नबी वापस आ। कितना वक्त लगा, कुरान लैलन का कलील हिस्सा, ये मेरे नबी का मौजज़ा है, मेराज मेरे नबी का। खुदा के लिए मैंने कोई मेराज वाकया नहीं बयान करना था, मैंने तो अपने दावे पर दलील पेश करनी थी। अब आप तवज्जो करेंगे, मेराज के एक साल बाद, सिर्फ एक साल बाद
मेरा आका हिजरत कर रहा है मक्के से मदीना, 500 किलोमीटर का फासला, 15 दिन लग गए। कितने सानवी समझाओ मियां, वहां जाए तो लैलन, यहां जाए तो 15 दिन। हमें भी समझाओ ना, हमें नहीं समझा सकते हो तो फिर हमसे समझो। जब यहां गए थे ना, अपने कदमों से चल के गए, अपनी कुव्वत से चल के गए, अपने इख्तियार से चल के गए, और जब वहां गए थे ना तो अपनी कुव्वत से चल के नहीं गए थे, अर्श वाला लेके गया था। यही तो समझाना चाहता हूं। मोइज़ा बरहक है, लेकिन मोइज़े में हाथ पैगंबर का होता है। इख्तियार और कुदरत किसकी होती है? अल्लाह की होती है। इस हिजरत वाले सफर में तो बिस्तरे रसूल पे तो हजरत अली सो गए रजी अल्लाह ताला, जोर से कहो यार। उस दिन इस बिस्तर पे सोना आसान नहीं था, नहीं था। इस बिस्तर वाले को तो कत्ल करने के लिए बाहर लोग खड़े थे, इसको कत्ल करना है। जिब्रील आ गए, हजरत निकलिए, आपके कत्ल के लिए बाहर लोग खड़े हैं, तलवारें नंगी लेके खड़े हैं। हजरत अली को उस बिस्तर पे लिटाया भी, तुम यहां लेट जाओ। हजरत अली लेटे नहीं, चादर तान के सो गए। हद नहीं मुक गई बहादुरी दी, शुजात और दलेरी की, क्या बात है। जिब्रील हो उधर कहते हो बाहर तलवारें लेके खड़े, उधर कहते हो निकलो, कैसे निकलो? फरमाया मुट्ठी मट्टी की लिए, ये भी मौजदा, मुट्ठी मट्टी की लें, इनकी तरफ फेंके। फेंकना तेरा काम, ते मुशरकानू अन्ना करना मेरा काम। इनको मैं कर दूंगा अंधा, तू इन्हां दे विच्चू निकल जाए, तू इन्हां दे विच्चू निकल जाई, पासियां तू निकल जाई। ए तन नहीं वेख सकदे, नहीं वेख सकदे, ए मुशरिक उस दिहाड़े दे अन्ने होएन। पता नहीं कोई समझिया कि नहीं समझिया। कहते हैं नबी मौजूद तो है पर हमें नजर, मैं क्या उन्होंने भी नहीं सिया है, उनको भी नहीं आया था। मेरे नबी का शाना है सिद्दीक अकबर पे आए रजी अल्लाह ताला, दुश्मनों के नरगे से निकल के। अल्लाह तुम्हें दुश्मनियों से बचाए, अदावतों से बचाए, दुश्मनी में कुछ नहीं पड़ा होता। बंदे मरते हैं, पैसे दौलत जो है वो अदालतें वकील और थाने वाले खा जाते हैं, लोग फांसी चढ़ जाते हैं थोड़े से गुस्से पर, अल्लाह बचाए। लेकिन अगर किसी की अदावत हो, उसको उसके मकान को दुश्मन घेर लें कलाशनकोफों के साथ, चारों तरफ से घेर लें, वो किसी तरीके से निकलने में कामयाब हो जाए, किसी तरीके से, दुए दुश्मन दे घर जाएगा ना, उत्थू निकल के, उत्थू निकल के दुश्मन के घर जाएगा ना। सजन नहीं, ऐसा सजन जिसकी वफाओं पे एतमाद हो। शाने सिद्दीक अकबर जिंदाबाद, उसके घर जाएगा। तभी तो मेरे नबी अपने घर से निकले और सीधे का शाने सिद्दीक अकबर पे पहुंचे। उन्हें अपना हम सफर बनाया। चलो थोड़ा सा मेराज से जोड़ते हैं यार, मेराज में बयान करो उसे जोड़ लेते हैं। ये दो सफर हैं मेरे नबी के बड़े अजीम।
एक मेराज वाला, एक हिजरत वाला। बस मेरे इशारे समझते चले जाने हैं आपने, तफसील मैं नहीं करूंगा। एक मेराज वाला, एक हिजरत वाला। जो हम सफर मेराज वाले सफर में बना, वो सारे फरिश्तों का सरदार था। और जो हम सफर हिजरत के सफर में बना, वो सारी उम्मतों का सरदार था। वो साथी बना, बस मेरा इशारा समझना आपने, वो साथी बना तो चलकर नबूवत के दरवाजे पे आया था। और जब ये साथी बना तो नबूवत खुद चलकर इसके दरवाजे पे आई थी, इसके दरवाजे पे आई। वो साथी बना, बाहर निकले, जिब्रील किस पे जाना है? उसने कहा जन्नत से बुराक लाया हूं। और जब ये साथी बना, मेरे आका ने पूछा अबू बकर किस पर जाना है? अबू बकर ने कहा मेरे कांधे हाजिर हैं। उसने बुराक पेश किया, अबू बकर ने कांधे पेश कर दिए थे, कांधे पेश कर। वो साथी बना, बोलता चला गया, मेरा नबी भी उनसे बातें करता चला गया। ये साथी बना, इससे भी मेरा नबी बोलता गया, आपस में बातें करते चले गए। लेकिन जो बातें उसके साथ की, उसे रब ने कुरान नहीं बनाया। और जो बातें इसके साथ की ना, उसे रब ने कुरान बना के नाजिल कर। आखिरी जुमला तो बड़ा जबरदस्त कहना चाहता, सर्दी मेरा ख्याल ज्यादा लगी हुई है, मेरी तकरीर को भी घंटा होने वाला है। एक लफ्ज है पंजाबी में तोड़, तोड़ उर्दू में बोलते हैं तोड़, तोड़ देना। पंजाबी चाहते हैं तोड़ पहुंचाना, तोड़ दा संगी हां भाई, दोनों लफ्जों में इस्तेमाल, तोड़ने के माने में भी इस्तेमाल होता है और तोड़ आखिर तक। बस ये आपने ज़हन में रखना है, फिर बंदयालवी की बात सुनो। ओ गया ते तोड़ गया नहीं, रस्ते में छोड़ गया। और जब ये गया तो ये ऐसा तोड़ गया कि दोनों को आज तक कोई तोड़ ना सका, आज तक कोई तोड़ ना सका। वो आज भी मेरे नबी के साथ है। हजरत अबू बकर, हजरत उमर की कोई फजीलत ना हो, कोई फजीलत ना हो, कोई फजीलत ना हो, ना मान तू, उनकी एक ही फजीलत काफी है, वो आज भी मेरे मोहम्मद के सीने के साथ मौजूद है, सीने के साथ मौजूद है। किसने सुलाया था? हजरत अली ने सुलाया था, हजरत अली ने अपने हाथों से सुलाया, हजरत अबू बकर को भी, हजरत उमर को भी, ये इसके अहल भी थे। अबू बकर दिया था रीसा ही कोई, साहबा सारे अजीम है पर अबू बकर दिया रीसा ही कोई, रीसा ही कोई। तसव्वुर करो एक मिनट के लिए, तसव्वुर, जितने लोग यहां बैठे हो, चेहरे पे सुन्नत रसूल है या नहीं, नमाज पढ़ते हैं या नहीं, हर बंदे की ये तमन्ना है कि काश कभी ख्वाब में आका की जियारत हो जाए। नहीं तमन्ना, नहीं तमन्ना हर बंदे की, या अल्लाह कभी ख्वाब में वो चेहरा है पुरनवार दिखा देना जिस चेहरे के तज़किरे तूने कुरान में किए। और अगर किसी खुश नसीब को ज़ियारत हो जाए ख्वाब में, तो सुबह वो
फखर के साथ बताता फिरता तो मेरी किस्मत देखो, मुझे रात आखा की ज़ियारत हुई है। हमारे मुल्क के तो शायरों ने बड़ी अजीब अजीब शायरी की है। मैं शेर व शायरी का बंदा नहीं हूँ, मुझे शेर याद नहीं रहते, अल्लाह करे कुरान ही याद रहे। उसका मफहूम मैं बयान कर देता हूँ। शायर कहता है, काश हम वो पत्थर होते जिन पत्थरों पे आका अपने कदम रखा करते थे, काश हम कपड़े की वो टाकियाँ होते जिन टाकियों से मेरे आका का पसीना पूछा जाता था। ये आका जख्मी होते थे और आका के जख्मों को पूछा जाता था, काश हम कपड़े की वो टाकियाँ होते, काश हम वो पत्थर होते नबुव्वत के कदम। ये तमन्ना है, काश हम वो टाकियाँ होते वो पत्थर होते, काश ख्वाब में चेहरा पुरनवार की ज़ियारत हो जाए। और भिड़ी के लोगा, फिर तुमने कभी गौर नहीं किया, तीन दिन और तीन रातें हैं, अकेली गार है, उसमें एक मेरा नबी है, दूसरा अबू बकर है। अल्लाहु अकबर, अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई नहीं। तीन दिन और तीन रातें हैं, मेरे नबी अबू बकर की गोद में सर रख के सो गए। अल्लाह अकबर, एक मिनट के लिए तसव्वुर तो करो यार, जब आका ने वहां अपना सर मुबारक रखा होगा, अबू बकर ने कैसे देखा होगा, कैसे देखा होगा। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने इसकी मंजर कशी की और मजा ही आ गया, आप भी लुत्फ लें। शाह साहब कहती हैं, जब नबी पाक अबू बकर की गोद में सर रख कर सोए हुए थे, यूं लगता था जैसे किसी ने राहल पे कुरान का नुस्खा खोल के रख दिया। अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई, अबू बकर तेरियां रीसा ही कोई। क्या समझाया मैंने आपको? मोइज़ा बरहक, बोलो। मोइज़े के इनकारी नहीं है हम, मोइज़े बरहक, लेकिन मोइज़े में हाथ और इख्तियार पैगंबर का नहीं, हाथ उनका होता है, इख्तियार और मर्जी किसकी है। ऐसी दलील दूंगा अपने मौके पर कि आपका भी सर चकरा के रह जाए, मुखालिफीन का तो चकराना ही चकराना है। ये क्या दलील दे दी इसने? हर नबी को अल्लाह मोइज़ा देता था उस वक़्त के रिवाज के मुताबिक। समझ रहे हो कौन नहीं समझ? ईसाइयों का इतराज़ ख़त्म हो जाएगा, आप मेरी बात सुन लें, ईसाइयों का इतराज़ ख़त्म। ईसाई इतराज़ करते हैं मुसलमानों, साढ़े नबी तो मुर्दियां जिंदा किया, तुहाडे नबी भी किसी मुर्दे जिंदा किया? ईसाइयों का इतराज़ है। हमारा नबी तो अंधों को आँखें दे देता था, तुम्हारे नबी का भी कोई ऐसा मोइज़ा? उस एतराज का जवाब हो जाए, अल्लाह हर नबी को एक जैसे मोइज़े नहीं। मोइज़े में उसूल क्या है? जिस ज़माने में नबी आया, जिस चीज़ का रिवाज ज़्यादा था, शोहरत ज़्यादा थी। मेरी तरफ देखेंगे नींद नहीं आएगी इंशाअल्लाह, मेरी तरफ देखेंगे ना फिर नींद नहीं आएगी इंशाअल्लाह। थोड़ा सा पढ़ लें, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। शैतान ही बड़ा हरामी है ना, बड़ा हरामी है। उसूल क्या है जी? जिस चीज़ का रिवाज ज़्यादा, मोइज़ा उसके मुताबिक। हजरत मूसा के ज़माने में जादू का ज़ोर था, लोग लाठियाँ डालते, रस्सियाँ डालते, लोगों की आंखें बंद करते, दिमाग पे असर डालते, लोगों को यूं लगता था कि ये लाठियाँ क्या बन गई हैं, बनती नहीं थी। जादू में चीज़ की हयात नहीं बदलती, लाठियाँ लाठियाँ ही रहती हैं, देखने वालों को नज़र आता है। अल्लाह ने हजरत मूसा को मोइज़ा भी उसके मुताबिक दे दी, उनकी लाठी क्या बनती थी? हजरत ईसा के जमाने में तिब का जोर था, डॉक्टरी, हिकमत, बड़े बड़े तबीब, बड़े बड़े हकीम, हाजिक हकीम। अल्लाह ने हजरत ईसा को मोइज़ा भी उसके मुताबिक दे। कोई हकीम मादरजाद नाबीने को बीना नहीं कर सकते, कोड़ के मर्ज वाले को दुरुस्त नहीं कर देते, मुर्दों को तो कौन जिंदा करे।
अल्लाह ने मोइज़ा भी उसके मुताबिक, तिब का जोर था, हिकमत का जोर था, मोइज़ा भी उसके मुताबिक दे दी। इन्हें नजर उठाओ, थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा होशियार, चादर लाओ, छोड़ो ना, चादर लाओ थोड़ी जी, जवान आदमी है यार, एडी सर्दी को नहीं। चलो मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ, फिर ताज़ा दम हो जाए आप। एक हकीम साहब थे, तिब की बात आई ना, तिब की, एक हकीम साहब थे, तो वो अपने शागिर्द के साथ ना एक मरीज़ को देखने गए। तो हकीम साहब ने मरीज़ की नब्ज़ पे हाथ रखा ना, तो हकीम साहब ने कहा केले खा देनी। मरीज़ कहने लगा जी खा देते केले ही ने। अब जो शागिर्द था ना, इस पर बड़ा असर हुआ, पे ऐ फन ने, वो बाहर निकला सका, उस्ताद जी ऐ फन सिखाओ। उस्तादा के इं थे नहीं ना, फिर कोई फकियाँ फुकियाँ कुट छुटते, खिदमत शिदमत करते, कोई माजून शाजून बनाते, फिर साल बेचारा फकियाँ कूटता रहा। साल के बाद पूछता है उस्ताद जी, हूँ दसो उस्तादा, क्या तू अन्ना है, उसकी मंजी तले केले दे छिलके नहीं वेखे? शागिर्द ने बात पल्ले बांध, जड़ी शायद मंजी दे तले होवे ना, मरीजों ही खा दियो। ये एक मरीज को चेक करने गया शागिर्द, ऐसा क्या थापियां खा दिया नहीं? उसका क्या हकीम साहब अकल नू हाथ मारो, थापियां खान दी शे? उसका क्या यार सोच ते मैं भी ये रहा, लेकिन मेरे उस्ताद ना आख्या सी बे मरीज की चारपाई के थले जड़ी शायद होवे ना, वो ही उस खाधी होती। हजरत ईसा के जमाने में तिब का जोर था, मोइज़ा भी उसके मुताबिक। मेरे नबी के जमाने में जोर है शेर व शायरी का, तकल्लुम का, खिताबत का, फसाद का, बलागत का, जबान दानी का। रब ने मेरे नबी को मोइज़ा भी कुरान उसके मुताबिक दे दिया, मोइज़ा रिवाज के मुताबिक अल्लाह देती, जिसका जोर था उसी के मुताबिक दे दी। मेरा ये दावा है, मेरा ये दावा नहीं, खुद कुरान का ये दावा है। जब मुशरकीन ने कहा था ना कि हमें ये मोइज़ा दिखा, ये मोइज़ा दिखा, ये मोइज़ा दिखा, तेरा घर सोने का बन जाए, तेरे बाग लग जाए, नहरें हों, तू आसमान पे चढ़ जाए, जब उन्होंने ये कहा, अल्लाह ने सूरत अनकबूत में इसका जवाब दिया, अल्लाह ने फरमाया इन्ना नु कुरान अला मोइज़ा काफ़ी नहीं। उसके जवाब में अल्लाह ने कहा ये कौन से मोइज़े मांगते हैं, ए मोइज़ा काफ़ी नहीं, किसकी जबान से निकल रहा है दुनिया में, जेड़ा किसी मकतब च नहीं गया, किसी स्कूल नहीं गया, किसी मदरसे नहीं गया, कलम दबा तख्ती नू हाथ नहीं लाया, अपना नाम लिखना नहीं जानता, अपना नाम लिखना नहीं जानता, उसकी जबान से ऐसा कलाम निकलने लगा जिसने अरब के शायरों को, खतीबों को चैलेंज कर दिया, फातू बेसूरत मिसले, इस जैसी एक सूरत बना के ले आओ। फ़ाइलम तफालू व लम तफालू, अगर तुम ऐसा ना कर सको और हरगिज नहीं कर सकोगे। ये मोइज़ा है, ये मोइज़ा है, बोलो तो सही, क्या ये मोइज़ा है? मेरे नबी ने खुद बनाया, दलील तो मैंने बड़ी दे दी है, ये मोइज़ा है, मेरे नबी ने अपनी मर्जी से बनाया है, अपने इख्तियार से बनाया है। कहो फिर मुस्तशरकीन को खुश करो, वो जो कुफार कहती हैं कि ये रब का कलाम नहीं है, नबी का अपना कलाम है, तुम भी कहो कि ये मोइज़ा है, नबी के इख्तियार में था, मर्जी से बना। नहीं कह सकते हो तो फिर मेरी बात को मानो, नबी का मोइज़ा बरहक होता है, उसमें हाथ पैगंबर का होता है, इख्तियार और मर्जी किसकी होती है? अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم يا ارحم الراحمين ارحم علينا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث آپ سب لوگ بڑی محبت سے تشریف لائے اللہ آپ کا یہ وقت قیامت کے دن آپ کے لیے ذخیرہ بنا دے ذخیرہ آخرت بنا دے میں نے جو کچھ کہا اللہ کی رضا کے لیے کہا کوئی ضد عناد مقصود نہیں تھا اللہ اس گفتگو کو مؤثر فرما دے اللہ کرے کسی بھٹکے ہوئے بندے کو راہ ہدایت مل جائے اللہ ہم سب کو صراط اہدنا الصراط المستقیم اهدنا الصراط المستقيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى اله واصحابه اجمعين امين برحمتك يا خطابتی میدان میں بھی ہوں لیکن اللہ نے مجھے کچھ تحریر اور تصنیف کا بھی ملکہ دی کچھ حصہ اللہ نے دیا میری بڑی خواہش ہے کہ میں قرآن پاک کی تفسیر لکھوں اور تفسیر بھی اتنی آسان لکھوں کہ پانچویں جماعت کا بچہ اور آٹھویں جماعت کا بچہ بھی پڑھے تو اس آیت کے مفہوم کو سمجھ جائے میں چھ پارے مکمل کر چکا ہوں لیکن مجھے وقت نہیں مل رہا اس یہ تبلیغی اب میں سفر کروں گا رات 12:30 ایک بجے گھر پہنچوں گا کل پھر میں نے نکلنا ہے پچھلے ٹائم پھر کرونا وبا ہی نہ کرونا تو کرونا نے ہمیں گھروں میں بٹھایا بھئی کچھ دیہاڑے اپنے گھروں کھاؤ تو میں نے وہ جو چند مہینے تھے اسے میں نے تصنیف میں خرچ کیا اور میں نے 3 کتابیں تصنیف کر دی تقریباً 1700 صفحات 2 کتابیں پہلے آ چکی ہیں جن میں اللہ کے حسین ناموں کی تشریح 128 ناموں پر میں نے گفتگو کی ہے 1000 صفحات میں اب جو میری تصنیف آئی ہے جس کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے بہر وہ موجود ہے یہ حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت معاویہ حضرت عائشہ ان کی سیرت عظمت اور فضیلت پر خطبات موجود حضرت معاویہ کی عظمت پر تو میں نے 5 خطبے تحریر کی اس کی ضرورت زیادہ تھی لیکن اس میں جو سب سے اہم خطبات ہیں نا وہ ہیں حضرت ابوبکر حضرت علی کے تعلقات کیا تھے حضرت علی حضرت عمر کے تعلقات کیا تھے حضرت علی حضرت عثمان کے تعلقات کیا تھے حضرت علی اور حضرت معاویہ کے تعلقات کیا مخالفانہ تھے یا دوستانہ تھے اس اور سب میں نے فریق مخالف کی کتابوں کے حوالے سے لکھا ہے پھر اس میں میں نے لکھا اہل بیت رسول کون اہل بیت کا اطلاق کس پر ہوتا ہے اہل بیت کون ہے یہ میرا خیال ہے کوئی 45 یا 50 صفوں پر مشتمل میرا خطبہ ہے علماء جو جتنے موجود ہیں یہ لے کر جائیں ان کے جمعے دروس ان میں کام آئے گا جو صاحب مطالعہ لوگ ہیں ذرا شوق رکھنے والے وہ بھی اسے خریدیں 500 روپے اس کی قیمت ہے لیکن آپ اس کو زیادہ محسوس نہیں کریں گے گھبرانا نہیں اگے تو آپ پہ سمجھ گیا ہوں کیوں مہنگی ہے مہنگی کیوں ہے بس گھبرانا نہیں ہے آپ نے 500 روپے اس کی قیمت ہے آپ بیر سے جو شائقین حضرات ہیں یہ وصول کر کے جائیں